जय माता की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्या किसी को गिफ्ट देना हमारे लिए शुभ होता है? और अगर हम किसी दूसरे को कोई गिफ्ट देते हैं तो क्या चीज़ हमें देनी चाहिए जिससे उसका भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो? क्योंकि गिफ्ट एक छोटा सा नाम है। बेशक तोहफा आप चाहे 10 रुपये का दें या 1000 रुपये का दें, चाहे 10,000 रुपये का दें, लेकिन तोहफे में आप क्या चीज़ दे रहे हैं और वास्तु के हिसाब से उस चीज़ को गिफ्ट में देने का क्या प्रभाव होता है, क्या अर्थ होता है, यह आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी दूसरे को कोई गिफ्ट देते हैं तो आपको भूलकर भी क्या तोहफा किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए और गिफ्ट में देने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है जो आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। नमस्कार, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सभी भक्तों को सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बंधुजनों, आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें। तो चलिए, अब भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आज हम बात कर रहे हैं तोहफा, किसी को गिफ्ट देना। प्यारे बंधुजनों, हमारे पास पिछले बहुत टाइम से काफ़ी लोगों के मेल आ रहे हैं कि शास्त्री जी, आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं जो हम किसी को गिफ्ट देते हैं। बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आया है, शास्त्री जी घड़ी गिफ्ट में देना अच्छा क्यों नहीं होता, इसके बारे में बताएं। हालांकि इसके ऊपर अलग से मैंने एपिसोड बना रखे हैं, अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उन वीडियो का लिंक चेक कर सकते हैं और उन वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं। किसी को गिफ्ट में घड़ी, वैसे तो जहां तक हो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि घड़ी देने पर इसका जो अर्थ होता है, कहीं ना कहीं आप अपना अच्छा टाइम, अच्छा हो या बुरा हो, वैसा टाइम आप सामने वाले को दे रहे होते हैं। अगर आप अपना अच्छा समय दे रहे हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपके ऊपर कष्ट आ जाए। अगर आप अपना बुरा टाइम दे रहे हैं तो सामने वाले के लिए ये कष्टियाँ लेकर आ सकता है। तो इसलिए गिफ्ट में घड़ी देने से बचना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कि और क्या है ऐसी चीज़ जो गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। प्यारे बंधुजनों, गिफ्ट में जो भी चीज़ आप दें सामने वाले को, वह चीज़ बड़ा सोच समझ करके देना चाहिए। साथियों, किसी को भी तोहफे में रुमाल नहीं देना चाहिए। अक्सर बहुत बार देखा गया है कि लोग गिफ्ट में, चाहे बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या और कोई फंक्शन हो, तोहफे में रुमाल देते हैं। जबकि ज्योतिष शास्त्र की अगर माने तो तोहफे में रुमाल देने से रिश्तों में बिखराव आता है और कहीं ना कहीं जो गिफ्ट को देता है और जो उस गिफ्ट को लेता है, उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं और कहीं ना कहीं रिश्तों में टकराव आना शुरू हो जाता है। इसलिए तोहफे में रुमाल देने से बचना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में। तो किसी को गिफ्ट में जूते देने से पहले भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जूते किसी को गिफ्ट करना अशुभ माना जाता है। क्योंकि जूता जो है वो चमड़े से बनी हुई होती है और चमड़े को अशुभ माना जाता है तोहफे में देने या लेने के लिए। क्योंकि तोहफा जब हम किसी को देते हैं तो ये एक पवित्रता का प्रतीक होता है, दो व्यक्तियों के बीच के प्रेम संबंधों का अर्थ होता है। इसलिए अगर आप किसी को भी जूते गिफ्ट करते हैं तो ऐसा करने से जो दो लोगों के बीच के संबंध है वो कहीं ना कहीं खराब होने लगते हैं और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है।
बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली चीज के बारे में। तो कोई भी औजार या धातु, जैसे कैंची या लोहे की बनी कोई धातु, ऐसी चीज भी गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें होती है ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता का प्रतीक होती है, नेगेटिविटी का प्रतीक होती है, और गिफ्ट देने में या एक्सचेंज करने में इनसे कहीं ना कहीं रिश्तों में धीरे धीरे करके दूरियां आने लगती हैं और बहुत बुरा इसका एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ने लगता है। अब बात करते हैं कि गिफ्ट में क्या चीज आप दें जिससे आपके किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई भी बुरा इम्पैक्ट ना पड़े। सबसे पहले तो फैंसी कोई चश्मा, जी हाँ, गिफ्ट में अगर आप देना ही चाहते हैं तो किसी को आप मॉडर्न डे जैसे आजकल चश्मे चल रहे हैं वो दे सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी को गिफ्ट में चश्मा देने से जो है किसी तरह का कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं होता, और ना देने वाले और ना लेने वाले को किसी भी तरह का कोई बुरा प्रभाव दोनों के ऊपर नहीं पड़ता। इसके अलावा सजावट की कोई चीज, जी हाँ, घर की सजावट की कोई चीज अगर आप गिफ्ट में देते हैं तो ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। देने वाले के लिए तो ये शुभ है ही है, साथ में लेने वाले के लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर आप गिफ्ट में किसी को वाइल्ड चाय, जी हाँ, जो मधुर ध्वनियां जिन सतरंगी लड़ियों से निकलती है, वो भी अगर आप गिफ्ट में देते हैं तो ये भी आप दोनों के लिए अच्छी होती हैं। जब जब ये मधुर ध्वनि उनके घर में बजती है तो कहीं ना कहीं इसमें देने वाले को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी भक्तों को आज की यह जानकारी बेहद पसंद आएगी। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आप सभी भक्त जनों से अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय माता की।